दिल्ली के जिस कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई 3 छात्रों की मौत, वहां हो रहा है बुलडोजर एक्शन। कोचिंग के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए तैनात हो गए हैं 5 बुलडोजर। जब तक नहीं हुई कोई अनहोनी, तब तक सोता रहा प्रशासन। अब आई बुलडोजर की याद। दिल्ली में तैयारी कर रहे हजारों छात्र डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन पार्टियों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। जब तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, किसी को याद नहीं आया कि दिल्ली के इस इलाके में अतिक्रमण भी हुआ है। छोटी छोटी संकरी गलियां, भीड़ भाड़ और हालात ऐसे कि अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं। तभी तो जब सड़क पर पानी भर गया तो पानी बेसमेंट में बने कमरों पर जा घुसा, और जो अंजाम हुआ वो सबके सामने है। फिर जब अनहोनी हुई तो हजारों छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिखने लगा, तो दिल्ली में एमसीडी को भी अपनी बुलडोजर की याद आ गई, जिन्हें अब काम पर लगा दिया गया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हुई, तो बुलडोजर एक्शन करके इस मामले को शांत कराने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद एमसीडी के बुलडोजर कोचिंग के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए काम पर लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हादसे के विरोध में छात्रों के साथ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, जिसके बाद माहौल गर्मा गया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन से क्या इस हादसे पर पर्दा डाला जा सकता है? सिस्टम की लापरवाही से जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई, क्या उन्हें इंसाफ मिल सकता है? ये सवाल वो तमाम छात्र उठा रहे हैं जो इस वक्त सड़कों पर धरना दे रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट india.com।